हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज एक नया टॉपिक लेंगे। ये क्या है? एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन फैक्टोरियल एन। तो पहले हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग क्या है? आप कोई भी फैक्टोरियल ले लें एग्जांपल के रूप में। जैसे आपने फैक्टोरियल 10 ले लिया, फैक्टोरियल 10 को मैं एक्सपेंड करके लिख देता हूँ। इस सारे नंबर मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं आपके सामने, और सारे नंबर्स का आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर दीजिए। तो ये क्या हो गया? 2 into 5, ये हो गया 3 into 3, और ये हो गया 2 into 2 into 2, ये 6 को हो गया 2 into 3, और 5 प्राइम नंबर है, 4 को 2 into 2, और ये 2 into 1 पहले से आपका। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन करके सारे नंबर का लिख दिया। फैक्टोरियल 10 की वैल्यू ये है। अब आप चाहते हैं कि कोई प्राइम नंबर आपको दिया हो, तो प्राइम नंबर जो है आपका कितनी बार मल्टीपल में यहाँ मौजूद है। जैसे बोला जाए आपका कि 2 की बात करी जाए, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 2, 2, 8 बार मल्टीप्लाई है, यानी 2 के पावर 8 को हम लोग अलग कर लें और जो बाकी बचा उसको ऐसे लिख लें। 5 into 3 into 3, तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 बचा, तो 1। ये क्या चल रहा है आपका? फैक्टोरियल 10 है। तो फैक्टोरियल 10 कि जो टोटल वैल्यू आएगी, आप उसमें ये बताइए कि 2 के पावर कितना है। तो 2 के पावर कितना मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है? 2 के पावर 8 आ रहा है। तो एक्सपोनेंट का मीनिंग इसी को क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंट बोला जाता है। इसको क्या कहेंगे कि एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट को क्या बोलते हैं? पावर या इंडेक्स भी बोला जाता है। आप 2 प्राइम नंबर है इन फैक्टोरियल 10 इज इक्वल टू 8। तो ये मीनिंग हुआ। एक्सपोनेंट का मीनिंग होता है कि आप जो फैक्टोरियल की जो वैल्यू दी है उसको मल्टीप्लीकेशन में लिख के पूरा ओपन करेंगे, तो उसमें कोई भी नंबर की पावर कितनी बार आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में। यानी यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ फैक्टोरियल 10 की जो वैल्यू होगी इसमें 2 क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन में? 2 के पावर 8। तो यहाँ पे प्राइम नंबर 2 है, और 2 की इंडेक्स क्या बोला, एक्सपोनेंट क्या बोला जाएगा? 2 के पावर 8, यानी इसका एक्सपोनेंट कितना है? 8 है। 8 को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। और ये नीचे क्या रहेगा? प्राइम नंबर। यानी हम लोग यही देखेंगे कि कोई भी बहुत बड़ा फैक्टोरियल आपको दिया हो, तो आप उसको ओपन करेंगे, उसके बाद सारे नंबर को मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे और सारे का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो एक पर्टिकुलर प्राइम नंबर का कितनी बार मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, यानी प्राइम नंबर के पावर कितना है, वही हो गया आपका एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन फैक्टोरियल एन। एन क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। पी क्या होगा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं जिसके केवल 2 डिविजिबल, 2 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स होते हैं, केवल 2 भाजक होते हैं। यानी 2 संख्याएं अगर हैं केवल ऐसी कि उसको डिवाइड करती है वो नंबर खुद और 1, तो उसको क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के एग्जांपल, 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 के एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स नहीं है, क्योंकि 1 का 1 ही डिवाइजर है, तो 1 जो है क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कहां से शुरू होगा? 2 से। 2 प्राइम नंबर है क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है, तो एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स हैं। फिर अगला प्राइम नंबर 3, फिर अगला प्राइम नंबर 5, 3 के बाद 4 आता है, 4 तो 4 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, और 2 से भी डिविजिबल है, तो एग्जैक्टली 2 भाजक नहीं, इसके 3 हो गए, तो 5 होगा, फिर 6 होगा, वो नहीं होगा, 7 होगा, फिर 8, वो 9, फिर 10, फिर 11,
फिर 12 होगा वो भी नहीं होगा 13, फिर 15 भी 14, 15 भी नहीं होगा 16, 17। तो ये आप ऐसे प्राइम नंबर देख सकते हैं। तो अब पूरा मतलब उनको समझ में आया कि जो फैक्टोरियल एन की वैल्यू, फैक्टोरियल एन आपको दिया होगा, जैसे बोल दिया जाए फैक्टोरियल 100 में 7 का एक्सपोनेंट क्या है, तो हम लोगों को ये टारगेट है, ये हम लोगों को निकालना है। तो ये मीनिंग हम लोग देखें समझ ले। अब हम लोग इसको अप्रोच कैसे करें ये देखते हैं। अप्रोच कैसे करें, क्योंकि आपको जब कोई फैक्टोरियल एन दे दिया जाएगा, जैसे फैक्टोरियल 300 दे दिया गया या फैक्टोरियल 500, तो आप क्या करोगे, 1 से लेके 500 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके, फिर उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके, फिर उसके बाद देखोगे कि कोई जो है प्राइम नंबर का प्राइम नंबर कितनी बार आ रहा है। ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। आप 300-500 तक कर लीजिए, आपको दे दिया गया कि फैक्टोरियल 10,000 में बताओ कि एक्सपोनेंट ऑफ 7 यानी 7 के पावर कितना आ रहा है उसके मल्टीप्लीकेशन में, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, कोई फार्मूला डेवलप करेंगे, और उसका डेवलप करने का जो अप्रोच होगा, हम लोग देखिए कैसे चलते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग मानते हैं कि हमको एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 13, आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल है, इसमें हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे और जो अप्रोच डेवलप करेंगे उसी को बाद में जनरलाइज कर देंगे। तो हमारा क्या आएगा, जनरल फार्मूला आ जाएगा, आपको पी और एन दिया रहे तो आप सीधा सीधा आंसर निकाल लेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल 13 को पहले देखते हैं। फैक्टोरियल 13 की वैल्यू क्या होगी, 1 × 2 3 4 9 10 11 12 13। आपको क्या चाहिए, तीन कितने तीन है मल्टीपल में वो खोजना है आपको। तो आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल 13 को आप देखने चले, एक को आपने देखा, एक आपके कोई मतलब का नहीं है क्योंकि ये 3 से छोटा है, तो इसमें 3 का मल्टीपल होने का चांस ही नहीं है। तो यानी 3 से जो छोटे नंबर थे वो आपके काम के नहीं है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे डिनोट करते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 13, ये ऐसे एक डिनोशन बना लिया कि एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 13, ये क्या हो गया, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन इसमें। इसमें क्या किया हम लोग, पहला स्टेप क्या किया, एक स्टेप किया कि जो 3 से छोटे नंबर हैं यानी उसको छोड़ दी, उस वो अपने मतलब का नहीं, उसमें 3 का मल्टीपल नहीं आएगा। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या किए, यानी उसका मतलब खत्म हो जाएगा, यानी एक्सपोनेंट ऑफ 29 पूछा जाए आपका, तो 29 से जो छोटे नंबर मल्टीप्लीकेशन में होंगे 1 से लेकर 28 तक, वो आपके किसी काम के नहीं है। काम के नंबर कहां से शुरू होंगे, 3 से शुरू होंगे, यानी एक्सपोनेंट आप 3 निकालना है। तो पहला पहला क्या होगा, आप वो प्राइम नंबर आपका मिल जाएगा। अब अगला मल्टीपल कहां मिलेगा, 3 का जो मल्टीपल होगा, 4 में अब 3 का मल्टीपल नहीं मिलेगा, 3 × 1 है, अगले में कहां मिलेगा, 3 × 2, 6 को हम लोग क्या लिख देते हैं, 3 × 2, 9 को क्या लिख देते हैं, 3 × 3, 12 को क्या लिख देते हैं, 3 × 4, यानी 3 × 1 आपके काम का है, 3 × 2 आपके काम का है, 3 × 3 आपके काम का है, 3 × 4 आपके काम का है, इसमें एक्सपोनेंट आपको मिलेगा। और इसके अलावा बीच के जो नंबर होंगे वो काम के नहीं होंगे, क्योंकि एक्सपोनेंट का मतलब कि उस नंबर में मल्टीपल के रूप में होना चाहिए। तो प्राइम नंबर जो जैसे जिसका ढूंढ रहे हैं तो उसमें होगा 29 का मान ले ढूंढ रहे हैं आप, तो 29 और फिर 29 × 2 जो होगा उसमें 29 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो 29
यानी 29 और 29 इंटू 2 के बीच में जो सारे नंबर होंगे उनमें 29 मल्टीपल के रूप में नहीं होगा ना, आप उसका मल्टीपल बोल रहे हैं, तो हमारे काम के नंबर कौन से हो गए, जो 3 के मल्टीपल है वो हमारे काम के नंबर हो गए, यानी 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो सारे 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4 तक मिले हैं, सबसे 3 क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 4 टाइम्स आपका क्या आ गया, सबसे अलग कर ले एक्सपोनेंट, ये 3 को अलग कर ले, तो जो बाकी बचा ये क्या बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और 3 इंटू 3 इंटू 3, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन ये, तो 3 के मल्टीपल आपके काम के थे, उसने उनको आपने अलग कर लिया, और ये 3 के पावर 4 को आप क्या लिख दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि 3 के पावर 4 ये एक्सपोनेंट मिल गया। अब एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन ये 3 के जितने पावर मिले इनको आपने बाहर कर लिया, जो बाकी बचे जो नंबर हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इसमें भी 3 के एक्सपोनेंट होंगे, क्योंकि 3 के एक्सपोनेंट 3 के मल्टीपल में तो होते हैं, जैसे 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 6, तो 3 इंटू 6 जैसे आप देखिए, तो ये 3 इंटू 3 इंटू 2 है, इसमें केवल ऐसा नहीं कि केवल एक एक्सपोनेंट है, आप एक बार 3 मल्टीप्लीकेशन में है बस काम खत्म हो गया, तो आप जब ये करेंगे तो 3 3 निकालने के बाद जो बाकी बचे नंबर मिलेंगे उनको भी लिख लेंगे, उसमें भी एक्सपोनेंट हो सकता है, तो एक्सपोनेंट आप 3 इन, अब फिर क्या करेंगे, फिर वही प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख लेंगे, और फिर क्या करेंगे आप, जो फिर उसी से शुरू करेंगे, जो प्राइम नंबर होगा वहीं से शुरू करेंगे, उसी के मल्टीपल आपके काम के रहेंगे, और आपके जो ये फिर वही काम करेंगे, जो ये नंबर 3 से छोटे हैं वो आपके काम के नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ था, छोड़ दिया, क्योंकि आप 3 का एक्सपोनेंट ढूंढ रहे हैं, तो 3 से छोटे नंबर में 3 का एक्सपोनेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे केवल एक नंबर बचा 3 इंटू 1, और इसमें एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, यानी 3 के पावर 4 इंटू 3, यानी 3 के पावर 5, यानी एक्सपोनेंट आप अगर ढूंढ रहे थे तो एक्सपोनेंट क्या आ गया, 5, यानी 5 क्या है, 5 टाइम्स 3 3 3 मल्टीप्लीकेशन में, आप देखिए यहाँ एक बार ये हो गया, 1 2 1 3 1 4 और 1 ये 5, यानी एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 13 क्या है, 5। अब हम लोग एक बार फिर करते हैं, अप्रोच क्या किए, फैक्टोरियल 13 को 1 इंटू 2 इंटू 13 तक कर दिए, उसके बाद 3 का मल्टीपल ढूंढने चले थे, 3 का एक्सपोनेंट, यानी हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 को छोड़ देंगे, क्योंकि ये 3 से छोटा है, 3 से छोटे में 3 का एक्सपोनेंट नहीं मिलेगा, पहला नंबर मिला आपका 3, 3 में होगा, फिर अगला क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 मिला है, अगला 3 इंटू 2 होगा, जो 3 का मल्टीपल होगा, यानी जिसमें 3 का एक्सपोनेंट होगा, बीच वाले नंबर अपने काम के नहीं है, फिर अगला क्या होगा, 3 इंटू 3 होगा, उसमें 3 का एक्सपोनेंट होगा, 3 मल्टीप्लीकेशन में होगा, बीच वाले नंबर में कोई काम का नहीं होगा, ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, और कहां तक करेंगे, जो आपका जो फैक्टोरियल एन दिया है वहां तक आप करेंगे, कि उसके मल्टीपल में लिख लेंगे, उसके बाद अगले स्टेप में वो नंबर हटा दिए जो पी से छोटे हैं, और 3 के मल्टीपल को निकाल लिए, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, और सारे जगह से क्या कर लिए हम लोग, 3 3 को बाहर कर लिए, तो 3 ये बाहर हो गया, और जो बचा उसको लिख लिए, अब एक्सपोनेंट 3 का ढूंढ रहे हैं, तो 3 के पावर 4 आपको ये तो एक्स्ट्रा मिल गया, और 3 के पावर 4 उसमें मिल गया, और इसमें जो मिल जाए, जो बाकी बचे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इसमें भी एक्सपोनेंट आएगा, तो फिर वही सेम प्रोसेस जो है रिपीट करेंगे, और ये रिपीट करते चले जाएंगे, तो हमारा एक फार्मूला जो डेवलप करेंगे हम लोग, आप देखिए ये जो फार्मूला हम लोग डेवलप करेंगे, अब एक चीज हम लोगों को यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि आपको जैसे फैक्टोरियल 13 दिया था, तो आपने 13 तक मल्टीप्लीकेशन में लिख लिया, लेकिन आपको फैक्टोरियल आपको दिया होता 700, फैक्टोरियल 700, तो आप 3 इंटू कहां तक जाते, सबसे लास्ट वाला 3 का मल्टीपल क्या होता, वो यहाँ पे निकालना आपका जरूरी हो जाता, कि अगर ये फैक्टोरियल 700 होता तो हम 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू कहां तक करें कि वो 700 के क्लोजेस्ट हो,
700 या 700 के जस्ट पहले जो उसका मल्टीपल आएगा 3 का, तो एक हम लोग देखते हैं। अब इसको जनरलाइज करते हैं, हम लोग जनरलाइज करते हैं एक बार फिर, सारे स्टेप रिपीट होंगे, आप एक बार दोबारा समझने की कोशिश करिए। एक बात यहाँ पे आपको निकालना है कि मान लीजिए आपका ये है फैक्टोरियल 100, तो फैक्टोरियल 100 को आप 1 × 2 × 3 × 4 के रूप में लिखेंगे, ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे। लास्ट वाला नंबर क्या हो गया 100, उसके पहले वाला क्या होगा 99, उसके पहले वाला 98, ऐसे होगा। अब एग्जाम्पल के रूप में आप एक्सपोनेंट ऑफ 7 इसमें निकाल रहे हैं, मान लीजिए एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 100, तो क्या करेंगे, पहली बात तो 7 से जो छोटे नंबर होंगे यानी 6 तक के नंबर को छोड़ देंगे। पहला नंबर अपने काम का क्या होगा 7 × 1, दूसरा नंबर अपने काम का होगा 7 × 2, तीसरा नंबर अपने काम का होगा 7 × 3, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। और अब यहाँ पे आपको ये सोचना रहेगा कि हमारा लास्ट नंबर 7 का मल्टीपल क्या होगा, ये लास्ट नंबर आपका 100 है, तो 100 जरूरी नहीं है कि 100 आपका जो है 7 का मल्टीपल हो, तो 100 या 100 के जस्ट पहले का मतलब कि जो उसके नियरेस्ट होगा और 7 का मल्टीपल होगा वो हमको ढूंढना पड़ेगा। तो वो ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे 100 को आप 7 से डिवाइड करिए, 100 को आप 7 से डिवाइड करिए, 3, 4, 28, ये 2 रिमाइंडर हो गया। यानी अगर 100 को अगर 7 से डिवाइड किया जाता है तो ये 20 हो गया, और फिर ये 14.2, और फिर पॉइंट के आगे कुछ आएगा। 7 को अगर आप 100 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 14.2 आता है, यानी 7 से 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 का मल्टीपल 100 नहीं है, यानी इसके जो जस्ट पहले वाला होगा वो नंबर क्या होगा, आप कैसे गेस करेंगे, वो नंबर आपका क्या होगा जिसमें 7 × 14 होगा, क्योंकि 7 × 14 के बाद जो है 7 × 15 एक नंबर आएगा जो 7 का मल्टीपल होगा, ये क्या है 7 × 14.2। तो 100 अगर 7 × 14.2 है तो इसके जस्ट पहले वाला जो नंबर 7 का मल्टीपल होगा वो क्या होगा 7 × 14, यानी आप उस नंबर n को क्या करेंगे, आप उस नंबर n को p से डिवाइड करेंगे, ऐसे लिख लीजिए, आप उस नंबर n को p से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, 100 को 7 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद में जो आया उसका इंटीजर पार्ट ले लेंगे, ये 14.2 है तो इसमें इंटीजर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 14 होगा, क्योंकि 14.2 तो ये इंटीजर जो होगा इंटीजर पार्ट ले लेंगे तो ये 14 हो गया। तो इंटीजर पार्ट के लिए हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर ये बिग ब्रैकेट लगा है तो 100/7 की जो वैल्यू आएगी पॉइंट में वो उसमें क्या करेगा, वो सबसे बड़ा जो इंटीजर होगा वो निकाल देगा, ये 100/7 का बिग ब्रैकेट, और उसके बाद आप क्या करेंगे इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या करेंगे, ये 100/7 का बिग ब्रैकेट कितना आया, ये 14.2, तो ये 14 हो जाएगा × 7, ये क्या हो जाएगा 98। तो ये एक पॉइंट हम लोगों को समझना है कि हम जब मल्टीपल निकालने चलेंगे प्राइम नंबर के तो 7 × लास्ट वाला क्या होगा वो निकालना हम लोगों को जरूरी होगा। तो क्या करेंगे, लास्ट वाले नंबर n को उस प्राइम नंबर से डिवाइड कर देंगे और उसमें जो इंटीजर पार्ट आएगा उसको लिख लेंगे, उसी को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी इसका मतलब ये 98 यानी 7 × यहाँ पे क्या आ गया 14, ये वाला लास्ट नंबर है जो 7 का मल्टीपल है। ये पॉइंट हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे 14.56 है
तो अगर ये बिग ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब ये एक ऐसे मशीन में बंद है कि ये मशीन हमेशा क्या करेगा, जो उसमें इंटीजर वाला पार्ट होगा सबसे बड़ा इंटीजर, इसको क्या लिख सकते हैं 14 + 0.56। तो इसमें जो फ्रैक्शन पार्ट होगा यानी ये वाला पार्ट, वो उड़ा के क्या करेगा, ये इंटीजर ही दे देगा। तो ये इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है। अगर इसके अंदर कोई बंद है तो इसका मतलब कि वो इंटीजर प्लस कुछ फ्रैक्शन होगा तो उसमें इंटीजर पार्ट बाहर कर देगा, जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा। तो ये हम लोग समझ लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन फैक्टोरियल एन। इतना बेस बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब फार्मूला जनरलाइज डेवलप करेंगे और आपको एकदम से क्लियर कट समझ में आएगा। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि एक्सपोनेंट ये क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ पी इन फैक्टोरियल एन, यही चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर p इन फैक्टोरियल n क्या है, 1 × 2 × 3 × 4 ये इंटू n, इसमें चाहिए। फिर अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ p इन, जो p आपका जो प्राइम नंबर है उससे छोटे नंबर क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं। जैसे एक्सपोनेंट आप 7 अगर चाहिए प्राइम नंबर, तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 यानी 7 से छोटे वाले नंबर वो काम के नहीं है। पहला नंबर आपका काम का क्या है, 7 × 1, तो उस हिसाब से पहला नंबर आपका क्या होगा, ये 3 × 1 जो आपके काम का होगा, पहला नंबर 3 × 1। बीच में कहीं पी आएगा आपका, बीच में आपका कहीं P आएगा तो P इंटू वन पहला नंबर आपके काम का P इंटू वन होगा। फिर दूसरा क्या होगा, P इंटू वन के बाद P का मल्टीपल क्या होगा, P इंटू टू, उनके बीच के नंबर काम के नहीं होंगे। तो पहला नंबर P इंटू वन काम का हो गया, अगला नंबर आपका P इंटू टू काम का हो गया, और ये P इंटू थ्री काम का हो गया। और ये कहां तक जाएगा, ये n तक है। तो आप ये निकालना है कि P का मल्टीपल क्या होगा, तो क्या करते हैं, एन बाई पी करते हैं और इसका बिग ब्रैकेट कर लेते हैं, यानी एन को पी से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको इंटीजर में लिख लेंगे, उसका फ्रैक्शन पार्ट छोड़ देंगे और उसको पी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो आता है, ये जो ये लास्ट वाला मल्टीपल होगा आपका, जो पी जिसकी रिक्वायरमेंट है ये। अब क्या करते हैं, सारे नंबर से पी पी कॉमन ले लेते हैं, तो एक्सपोनेंट ऑफ पी, ये p इंटू वन है यहां से p, और यहां सारे में p कॉमन है, तो p p p यहां से सारे कॉमन कर दिए। यहां क्या बचा, 1 × 2 × 3 × ये p इंटू इतना है, तो लास्ट वाला नंबर आपका क्या हो गया, n बाई पी का बिग ब्रेकेट ये हो गया, ये p p आपका कॉमन है। उसके बाद क्या बचेगा, यहां 1 × 2 × 3 × लास्ट वाला नंबर आपका क्या होगा, एन बाई पी, यहां से पी, यहां से पी, यहां से पी, और पी पी का कितने बार मल्टीप्लीकेशन है, पी इंटू थ्री होता तो 3 बार पी मिलेगा, पी इंटू फोर होता तो 4 बार पी, और पी इंटू ये नंबर है तो पी 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 कितनी बार है, यहां एन बाई पी का ये इतनी बार पी 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 यहां पे मल्टीप्लीकेशन में है। ये कोई नंबर ही आएगा ना, ये जैसे 10, 20 या जो भी आएगा, इतनी बार ही पीपी मल्टीप्लीकेशन में है। अब हम लोग क्या करते हैं, पी 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 कुछ नंबर बार, 10 बार मल्टीप्लाई होता तो पी के पावर 10, इतनी बार मल्टीप्लाई, इसको आप देखिए कोई नंबर होगा, तो ये क्या हो गया, पी के पावर एन बाई पी ये का बिग ब्रेकेट। जैसे 10 बार मल्टीप्लाई तो इतना बार ये जो नंबर आएगा उतना पी के पावर पी हो जाएगा, और फिर एक्सपोनेंट ऑफ पी उसको अलग कर लिए, और ये बचे सारे 1 × 2 ये एन बाई पी का बिग ब्रैकेट। अब हम लोग क्या करेंगे, p के पावर इतना तो आपको ऑलरेडी मिल गया, इसमें भी p के एक्सपोनेंट होंगे, तो यही सेम स्टेप रिपीट करेंगे।
तो अगला स्टेप आपका क्या होगा, फिर ये नंबर है बीच में, इसके भी कहीं पी आएगा, पी इंटू वन, पी इंटू टू, ऐसे ऐसे करके, और आपका जो लास्ट नंबर ये है ये, तो पी इंटू वन, पी इंटू टू, और लास्ट वाला जो होगा वो पी इंटू क्या होगा, तो पी इंटू क्या होगा ये निकालने के लिए जो लास्ट नंबर होता है उसको क्या करते हैं, पी से डिवाइड करते हैं। तो अपना दोबारा जब लगा रहे हैं तो अपना लास्ट नंबर एन नहीं है, लास्ट नंबर अपना ये है, लास्ट नंबर एन बाई पी का डिप ब्रेकेट है, इसको क्या करेंगे पी से डिवाइड करेंगे, एन को क्या किए पी से डिवाइड किए, लास्ट वाले नंबर को पी से डिवाइड किए, इसके बाद जो आया इसका पूरे का डिप ब्रेकेट कर लेंगे और पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पी का लास्ट वाला मल्टीपल आपका पता चल गया। तो अब देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पी 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 कितनी बार मल्टीप्लाई है, इतनी बार, इतनी बार, और इसको क्या लिखेंगे एन बाई पी का बिग ब्रेकेट अपान पी, तो ये डिवाइड करेंगे तो ये बिग ब्रेकेट में चला जाएगा क्योंकि इसके बाहर बिग ब्रेकेट है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये बिग ब्रेकेट की प्रॉपर्टी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एन बाई पी स्क्वायर का बिग ब्रेकेट इंटू पी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं एन बाई पी स्क्वायर का बिग ब्रेकेट इंटू पी, यहाँ से ये क्यों हुआ, ये बिग ब्रेकेट की प्रॉपर्टी है, आप इसको बिग ब्रेकेट जब पढ़ेंगे डिटेल में फंक्शन में तो वहां पे आप प्रूव कर लेंगे। तो पी पी फिर कॉमन लेते हैं, पी पी कितनी बार कॉमन आ जाएगा, ये लास्ट वाला क्या है पी इंटू दस होता तो दस बार होता, पी इंटू ये है क्या, ये है एन बाई पी स्क्वायर का बिग ब्रेकेट, ये आपका पी पी कॉमन में आ गया, और क्या बचा यहाँ वन इंटू टू, और यहाँ ये क्या बचा एन बाई पी स्क्वायर का बिग ब्रेकेट ये बचा, और पी के पावर इसको फिर इधर ले आया, तो ये पी के पावर एन बाई पी का बिग ब्रेकेट आपका ऑलरेडी पहले से था इंटू पी के पावर एन बाई पी स्क्वायर का बिग ब्रेकेट आ गया, और क्या मिलेगा एक्सपोनेंट ऑफ पी वन इंटू टू इंटू ये कहाँ तक गया, ये एन बाई पी स्क्वायर, ये इतना बचा है एन बाई पी स्क्वायर का बिग ब्रेकेट। तो ये आप एक्सपोनेंट ऑफ पी इन फैक्टोरियल एन इक्वल टू क्या आ गया आपका, यहाँ पी के दो पावर तो मिल गए, पी के पावर एन बाई पी का बिग ब्रेकेट प्लस एन बाई पी स्क्वायर का बिग ब्रेकेट, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में तो पावर क्या होते हैं बेस अगर सेम हो तो ये एड हो जाता है, जैसे 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2 हो तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ये 2 के पावर 3 प्लस 2 हो जाएगा, ये यूज कर लिया हमने, और फिर क्या बचा एक्सपोनेंट ऑफ p इन 1 इंटू 2 इंटू लास्ट वाला नंबर ये क्या बचा है n बाई पी स्क्वायर का बिग ब्रेकेट। अब हम लोग ये काम जो है कब तक करते जाएंगे, तब तक करते जाएंगे जब ये P का जो पावर आपका है P का पावर उतना ना हो जाए, P का पावर जब सीधा सीधा क्या हो जाए N के इक्वल हो जाए, और P का अगर एक पावर और करें तो क्या हो जाए N से बड़ा हो जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए बिग ब्रैकेट आप लिखते हैं P के पावर आपने ऐसे किया कि P के पावर S प्लस 1 और P के पावर S दो वैल्यू सपोज करते हैं, P के पावर S यानी P को ये कितनी बार करना पड़ेगा यही तो हमको निकालना है, तो P के पावर S लेकिन हम लोग मानते हैं मान ले कि N क्या है P के पावर S से बड़ा है और उसके इक्वल भी हो सकता है, और ये क्या है हमेशा P के पावर S प्लस 1 से छोटा होगा, तो उतनी बार आप ये कर सकते हैं,
क्योंकि जैसे ही n की वैल्यू यहाँ p के पावर से ज्यादा होगी तो यहाँ बड़ा हो जाएगा, यहाँ छोटा नंबर इस टाइप का हो जाएगा 1/2। तो इसका आप जब बिग ब्रैकेट निकालेंगे तो ये 0.5 है, और 0.5 को कैसे लिखेंगे, इंटीजर 0 + 0.5, तो इंटीजर पार्ट इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 1 से जो छोटे नंबर होंगे, और 1 से छोटा कब होगा, जब ये p की पावर ये n से बड़ा हो जाएगा उस पावर के लिए, तो उसके जस्ट पहले वाले पावर तक हम लोग करेंगे। तो p के पावर कब तक करेंगे, ये तब तक हम करेंगे जब तक p इस हिसाब से नहीं मिल जाता। तो एक्सपोनेंट ऑफ p इन फैक्टोरियल n, तो हर बार आप करते हैं क्या, तो n बाई p, अगली बार के तो आपका p का कितना एक्सपोनेंट मिला, n बाई पी स्क्वायर। केवल आपको एक्सपोनेंट लिखना है, तो एक्सपोनेंट में आप p के पावर नहीं लिखेंगे, एक्सपोनेंट तो आपको यही होता है ना, और ये कब तक करते चले जाएंगे, n बाई पी क्यूब करेंगे, n बाई पी के पावर 4 करेंगे, कब तक करेंगे हम लोग, n बाई पी के पावर s, ये नंबर यहां तक करेंगे, तब तक करेंगे कि जब तक कि n कैसा ना हो, कि p p p के पावर s ऐसा हो कि वो n से छोटा हो या n के बड़ा हो, और p के पावर s प्लस 1 करने पर वो क्या हो जाए, n से बड़ा हो जाए, क्योंकि जब n से बड़ा हो जाएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन मिलने की। तो एक्सपोनेंट ऑफ p इन, ये अब p के पावर यहां लिखते चले आए हैं, आप ऐसे लिखिए एक्सपोनेंट ऑफ p इन फैक्टोरियल n इक्वल टू, तो एक्सपोनेंट अगर पहले ही आपका बोल दिया तो आपको p के पावर लिखने की जरूरत नहीं, केवल पावर लिखने की जरूरत है। पावर लिखने की जरूरत है, पावर क्या है आपका, कितनी बार मिलेगा, n बाई पी बिग ब्रेकेट प्लस n बाई पी स्क्वायर बिग ब्रेकेट, और प्लस लास्ट वाला क्या, कब तक करते चलेंगे, n बाई पी के पावर, एक नंबर हमने मान लिया यस, यहां तक करते चले जाएंगे। और s हम लोग कैसे निकालेंगे, आपको n पता रहेगा p पता रहेगा, आपको n दिया रहेगा p दिया रहेगा, आप n को लेंगे और p को लेंगे, आप p की वो सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढेंगे जिसके लिए क्या हो जाए कि n जो है इसके पावर s प्लस 1 करने पे ये क्या हो जाए, छोटा हो जाए, और ये इसके इसका एग्जांपल लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो एक्सपोनेंट ऑफ p इन फैक्टोरियल n इक्वल टू n by p का बिग ब्रैकेट प्लस n by p स्क्वायर का बिग ब्रैकेट प्लस n by p के पावर s का बिग ब्रैकेट, कब तक करते चले जाएंगे, जब तक ये p के पावर s की वैल्यू आपकी n के इक्वल या 1 या p के पावर s प्लस 1 जो है क्या हो जाए, बड़ा हो जाए n से, उस स्थिति तक आप करते चले जाएंगे। तो ये आपका फार्मूला हो गया, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल n, ये आपका फार्मूला हो गया। और s आपका क्या है, s कैसे डिसाइड होगा, ये p और n के हेल्प से डिसाइड होगा। अब इसका एग्जांपल हम लोग देते हैं लेते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं, एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 100, यानी फैक्टोरियल 100 आप जब ओपन करेंगे तो 7 कितनी बार मल्टीप्लाई में मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या है, प्राइम पी, पी की जगह पे आपका क्या है, ये है, और एन की जगह फैक्टोरियल एन की जगह क्या है, यानी यहाँ से हमको क्या पता चल गया, पी की वैल्यू कितनी है 7 और एन की वैल्यू क्या है 100 है। तो एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 100 आपका वही फार्मूला लगेगा, एन बाई पी, पहला क्या होगा, एन बाई पी का भी ब्रेकेट, यानी 100 बाई 7 का भी ब्रेकेट प्लस 100 बाई 7 के स्क्वायर का बिग ब्रैकेट प्लस 100 बाई 7 के क्यूब का बिग ब्रैकेट। आपको ये स्टेप ये निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस ये देख ले 7 के पावर वहां तक करते चले जाइए कि जब नीचे वाला नंबर 100 से एक्सीड ना हो जाए। तो ये हमको लगता है 7 × 7 × 7 ये 243 है और ये 249 है,
तो ये पावर 7 के पावर 2 क्या 49 है, और ये 7 के पावर 3 करने पे ये 100 से ज्यादा हो जाता है। तो वहां तक हम लोगों ने जानबूझ के कर दिया। अब क्या करते हैं, 7/100, तो ये क्या होगा, 100 को 7 से डिवाइड करेंगे आप, 32, ये क्या आ गया 14.2 का भी ब्रैकेट प्लस, अगला नंबर क्या होगा 100 को 49 से आप डिवाइड करिए, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स ये क्या हो गया 98, और फिर 2 आया यहाँ पे पॉइंट लगाइए ये 20 हो गया, फिर आप 0 बढ़ाइए ये 200 हो गया, और ये 4 आ जाएगा यानी 2.04 हो गया, प्लस 100/7 × 7 × 7 243 होगा। यानी अब क्या करेंगे, अगले नंबर 243 से डिवाइड करेंगे 100 में, तो ये जाएगा नहीं, तो एक पॉइंट उतारेंगे 1000 हो गया, अब ये 4 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी 0.4 के समथिंग की ब्रेकेट। तो हमने कुछ यहाँ पे यह सोच नहीं सोचा, कब तक करते चलेंगे 7 के पावर, जब तक हमको नहीं लगा कि ये 100 से बड़ा नहीं हो गया। तो अब इसकी वैल्यू तो अपने आप 0 हो जाएगी, क्योंकि बिग ब्रैकेट ये 0.4 है, इसका मतलब इंटीजर 0 प्लस 0.4 है, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट वो खा लेगा, इंटीजर पार्ट देगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू अपने आप 0 हो जाएगी, और ये इंटीजर पार्ट देगा ये क्या होगा 14 प्लस 0.2, ये 14 हो गया, और इसकी वैल्यू 2 हो गई, और इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो ये 16। यानी एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 100 कितना आ गया, ये आपका 16 आ गया। तो ये आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बस आप ये करते चले जाइए। ध्यान रखिए, आप जब डिवाइड करेंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमको कहाँ तक लेना है। आप ज्यादा भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये डिसाइड कर लीजिए कि कम ना हो, कि जैसे 7/100/7 को पर ही ना इंड कर दीजिए, आप वहां तक चलिए कि ये नीचे वाला नंबर 100 से या जो ऊपर n है उससे एक्सीड हो जाए। जब एक्सीड हो जाएगा तो ये नंबर 1 से छोटा हो जाएगा और उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और सारे पहले नंबर हमारे एड हो जाएंगे। तो ये आपका डेवलपमेंट पूरा हो गया फार्मूले का। हम क्या करेंगे इसके बाद जो है इसके क्वेश्चन लेंगे। अगर आप इसका जो डेवलपमेंट है यही केवल समझ लीजिए, तो क्वेश्चन तो आप मुझवाने, आप क्वेश्चन खुद बनाएंगे, मुझवाने लगाएंगे, क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे कि कैसे क्या होता है, बस इसका पूरा अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। तो इतना ही रखते हैं, इसके बाद अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।